दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण का जिक्र जब भी होता है तो रामानंद सागर और राम सीता यानी कि अरुण गोविल और दीपिका चिखिलिया का ही चेहरा याद आता है। शो का हर किरदार और कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गया, लेकिन रामायण की सफलता की बात करते वक्त अगर हम इसके संगीतकार रविंद्र जैन को भूल जाएं तो नाइंसाफी होगी। इस गाने की आवाज भी उन्हीं की है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे सिनेमा जगत को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है। बचपन में आंखें यूं बंद थी कि चीरा लगाना पड़ा। आंखें तो दिखने लग गई लेकिन आंखों से कुछ ना दिखा। पर कहते हैं ना, जिनकी आंखें नहीं होती उनकी मन की आंखों में पूरा ब्रह्मांड होता है, और मन की आंखों से देखकर इन्होंने कुछ लिखा उसका पूरा देश दीवाना हो गया। चोर मचाए शोर अखियों के झरोखों से, राम तेरी गंगा मैली, हिना जैसी कई फिल्मों को अपने मीठे संगीत से सजाने वाले संगीतकार लेखक रविंद्र जैन की आज 78वीं जयंती पर उन्हें बातें यूपी की टीम सत सत नमन करती है। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कनवीरगंज इलाके में हुआ था। पिता एक जैन पंडित थे, पंडित इंद्रमणि नाम था उनका। माता का नाम किरण देवी था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल से पूरी की थी। पिता ने बचपन में ही रविंद्र को एक छोटा हारमोनियम खरीद कर दिया। रविंद्र को अपने साथ मंदिर लेकर जाते थे। पहले तो ये भजन सीखते, फिर धीरे धीरे गाने भी लगे। इसके बाद वो कोलकाता चले गए। कोलकाता में कई दिनों तक शिक्षक के रूप में काम किया। इसी बीच उन्होंने अपने आप को गायक के रूप में भी स्थापित करना चाहा। काबिलियत तो थी ही, सो धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू पूरे कोलकाता पर छाने लगा और वो कोलकाता में हिट होने लगी। इसके बाद वो मुंबई आए और वहां पर भी अपनी आवाज के जादू से सबको दीवाना बना लिया। राजश्री प्रोडक्शन तो जैसे रविंद्र के संगीत का कायल हो गया। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर राजश्री प्रोडक्शन के साथ रविंद्र जैन ने करीब 20 फिल्में की। इसके अलावा उन्होंने तमिल मलयालम जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया। यूं तो अपने करियर की शुरुआत इन्होंने गाने लिखने से किया था, लेकिन बाद में गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और लगभग 150 फिल्मों में संगीत दिया। इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी से उर्दू में अनुवाद और श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में पद अनुवाद किया। सामवेद और उपनिषदों का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। अपनी कृति सुनहरे पल में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा किया है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, हुई है वही जो राम रचे राखा। धारावाहिक रामायण की ये चौपाई रविंद्र जैन के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। दरअसल पहले इस सीरियल में संगीत देने का काम स्वर्गीय जयदेव जी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु की वजह से रविंद्र जैन को रामायण के संगीत की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने उतनी ही बखूबी से जिम्मेदारी को निभाया, जिसके चलते आज भारत के घर घर में उनकी एक अलग पहचान है। पूरे रामायण को एक 5 मिनट के गाने में एक रात में पिरोया था इन्होंने। उनके अनुसार जिस रात वो ये गाना लिख रहे थे उसी रात उन्हें अपने शरीर पर एक शक्तिपात जैसा महसूस हुआ, जिससे उनका सारा शरीर रोमांचित हो गया और पूरे कमरे में उन्हें एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। और वहीं से जन्म हुआ इस गाने का, जिसके बोल थे, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। वो तो कहा करते थे कि ये गीत उन्हें स्वयं हनुमान जी ने दिया है। भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 9 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। रविंद्र जैन जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर वो अमर है। अपने महान गीत के जरिए और अपनी मेहनती और जुझारू अंदाज के जरिए उनकी याद उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पर आप हमारी वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.baatenyupi.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।